गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसे हैं आप सभी के घर, आप सबके घर वाले। तो आज काफ़ी अच्छा मौसम है, तो आज हम जा रहे हैं नूसा वाटर्स को एक्सप्लोर करने। तो अभी जस्ट मतलब काफ़ी सनी हो रखा है, तो सन ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। तो हम जाते हैं स्कूटर में और वहाँ पे जाके देख के आते हैं कि वहाँ पे ऐसा है क्या क्या, और मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता भी रहूँगा कि वहाँ पे ऐसा क्या क्या है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर। तो ये है नूसा वाटर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। रिजॉर्ट बहुत अच्छे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ का सुंदर सा व्यू पानी के पास। आई थिंक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में होगा, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बेंच लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ पे पब्लिक लोग बैठ सकते हैं और मतलब यहाँ से व्यू आराम से इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने कितना अच्छा है, मतलब वहाँ से ये मतलब प्राइवेट बोट्स हैं सारी की सारी, लोगों ने ख़रीद रखी हैं। वो मतलब यहाँ फिशिंग करते हैं या तो कभी कभी बोट पर भी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों, घर बार छोड़ के वो बोट पर टाइम स्पेंड करते हैं। आई थिंक ये लुकआउट के लिए एक छोटा सा, अभी जाके देखेंगे सर, एक्सप्लोर करेंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? एक आज है एक नया डे और नया व्लॉग। तो हम मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं रोज़ शूट कर सकूँ। रोज़ मतलब पहले नूसा एक्सप्लोर करेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम अलग अलग डिफरेंट जगह जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम आ रखे हैं नूसा वाटर्स और यहाँ पे मतलब यहाँ के रिसॉर्ट बहुत अच्छे होते हैं। मैं कभी गया नहीं बात, लेकिन मैंने देखा है मतलब काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, तो उनसे पूछा भी है, ऐसी मतलब रैंडम में बात करते हैं तो पता चलता है कि काफ़ी अच्छे रिसॉर्ट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे मॉर्निंग में जब उठते हैं तो यहाँ पे बीच फ्रंट दिखता है और यहाँ पे लोग काफ़ी सारे बोट भी चला रहे हैं, लेकिन लोग घूम रहे हैं पीछे। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। मतलब मैंने कभी नूसा को, 2 साल हो गए मुझे नूसा को मैंने कभी ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया, बट आज मतलब ठान लिया है कि रोज़ ब्लॉग करेंगे, रोज़ कहीं ना कहीं जाएंगे और वो पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। अभी नूसा काफ़ी बड़ा है, नूसा वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में कहते हैं टूरिस्ट के लिए आता है वर्ल्ड में। अगर आप सर्च मारेंगे कि अगर आपको वर्ल्ड के बेस्ट प्लेसेस जाना है तो आई थिंक सनशाइन कोस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में आता है विज़िट करने के लिए वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ के बीचेस अच्छे हैं और यहाँ पे फिर मतलब टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा है। यहाँ का मेन बीच जो है वो है नूसा हाइट्स का हेस्टिंग स्ट्रीट में, वो यहाँ का मेन बीच है। और मतलब काफ़ी सारे बीच है, जैसे सनराइज़ बीच हो गया, मार्कस बीच हो गया और फिर कूलम बीच हो गया, ये भी जगह हम एक्सप्लोर करेंगे। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा होगा कि मैं काफ़ी मतलब ऐसे जैसे मार्कस बीच में अर्ली सनराइज़ देखने गया था, तो उसमें वो मार्कस बीच था। और जैसे कूलम बीच मैंने अभी तक दिखाया नहीं, लेकिन मैं कूलम बीच पे तुम्हें दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा, धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। बट अभी अब हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ के नूसा वाटर्स को एक्सप्लोर करें। नूसा वाटर्स में मतलब यहाँ पर काफ़ी है अच्छा, बहुत सुंदर है। यहाँ पर एक आदमी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है यहाँ पर, तो दिखाऊँगा।
तो वो सामने देखेंगे वहाँ पर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे वैक्यूम कर रहा था, अभी देखा था मैंने उसे। और यहाँ पे मतलब मौसम भी अच्छा हो रखा है, तो आई थिंक मेन बीच जो होगा वो बहुत ज़्यादा बिजी होगा। तो अभी मेन बीच जाएंगे नहीं, मेन बीच बाद में जाएंगे, थोड़ा इधर को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक लास्ट टाइम हमने याद होगा कि एक बोटिंग वाला एक्सपीरियंस किया था जब आशीष मामा और आए थे, तो हम उनके साथ बोटिंग करने गए थे, तो यहीं का एरिया था, तो यहीं का बीच का एरिया था, तो वहीं जाएंगे और दो तीन वीडियो खींचेंगे, उसके बाद वापस घर। तो ये जो है ये मतलब सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं आजू बाजू, इसके इस बगल में और इसके पीछे साइड में जहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तो लोग अपनी कयाकी लेके आ रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं उस लड़के को कयाकी चला रहा है, और वहाँ पे काफ़ी सारी बोट्स हैं, पानी वहाँ पे मतलब चल रहा है काम। आई थिंक यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं, मुझे पता नहीं, जा सकते हैं। हाँ ये लोग यहाँ पे अपनी कयाकी लेके आ रखे हैं, कयाक और अपनी बोट भी लेके आ रखे हैं, और काफ़ी लोग बोटिंग कर रहे हैं और कयाकी कर रहे हैं। मुझे याद है कि हमने यहीं पे बोटिंग करी थी, बोट ट्रायल लिया था हमने, आई थिंक ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी, लेकिन टी बोट ट्रायल यहीं कहीं था, आई थिंक दूसरी तरफ होगा। तो हमने वहाँ से बोट हायर करी थी और हम इस साइड भी आए थे जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपने ना एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ के लोगों को ना डिफरेंट चीज़ों का शौक है, अदर देन मतलब घर पे टाइम स्पेंड करने के लिए। उन्हें जैसे कयाक में हो जाके लेक में जाते हैं, कभी बीच में जाते हैं, कभी वो बोटिंग करते हैं, कभी फिशिंग करते हैं, कभी पैडल बोटिंग करते हैं, कभी सर्फिंग करते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें मतलब नहीं देखी हैं, और मतलब मुझे यहाँ आके पता चला है। मैंने पैडल बोटिंग करी है, मैंने कयाक नहीं करी अभी तक, लेकिन मुझे ट्राई करना है ये भी कैसे करते हैं। और मुझे सर्फिंग सीखनी है, लेकिन मैं सर्फिंग सीख के रहूँगा, पता नहीं है कैसे कौन सिखाएगा, लेकिन मैं सीखूँगा। मेरे को किसी कुछ लोगों ने बोला था कि वो सिखा देंगे, लेकिन अभी देखते हैं कब टाइम मिलता है, तब तक के लिए जो हो रहा है वैसे चलता है। Oh, oh, oh.
जैसा कि मैं आपको बताता, ये सारी जो इस साइड है, मेरे लेफ्ट साइड है, ये सारी की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, और जो मेरे राइट साइड है वो सारे के सारे रिजॉर्ट्स हैं। तो मतलब ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, अराउंड आई थिंक 2 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक पहुँच जाते हैं इनके रेट। और यहाँ के रिजॉर्ट जो होते हैं, मतलब वो तो अफोर्डेबल होते हैं किसी के लिए भी, यहाँ पे जो रहते हैं उनके लिए, और बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, प्राइसेस मिल जाते हैं, यूजुअली ऑनलाइन मिल जाते हैं। बट एक्सपेंसिव कभी कभी होते हैं, आई थिंक जब टूरिस्ट का सीज़न होता है, जब लोगों का आने का होता है, तब काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, मतलब एक बोट हुआ है, ठीक है, उससे बहुत अच्छा व्यू आता है। मैं आपको दोनों साइड का व्यू दिखाऊंगा, एक तरफ से माउंटेन का व्यू आता है और रिजॉर्ट्स का व्यू आता है, और एक तरफ से पूरे के पूरा ओशन का, ओशन नहीं, लेक का व्यू आता है। हाँ, तो मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गया कि नूसा वाटर्स की ये प्राइजेस इसलिए महंगी है क्योंकि कोविड के बाद ना काफ़ी लोगों ने न्यू घर खरीदे हैं, और जैसे ही मतलब कोविड हुआ था उसके बाद, मतलब रेयर हो गया, घर मिलना रेयर हो गया था, और लोग अपने घर बेच के कहीं और शिफ्ट हो रहे थे, या तो अपनी रेंटल प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो रहे थे, या फिर यूजुअली वो कहीं और मतलब जाना चाहते थे यहाँ से हट के, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ टूरिस्ट स्पॉट हो, लोग जहाँ आते हैं और वहाँ पर इंजॉय कर सकें, तो हम भी वहीं जा रहे हैं। तो ये है एक क्लोज़र लुक वन ऑफ द रिजॉर्ट्स में, जहाँ बहुत है, मतलब काफ़ी फेमस है ये नूसा वाटर टैक्सी, वो है वाटर टैक्सी, और वहाँ पे लोग मतलब कयाक कूद कर सकते हैं अपनी, वहाँ पे बोट्स हैं, कयाक हैं, और यहाँ पे बच्चे कूद रहे हैं पानी में, ब्रिज से। और वो है माउंटेन व्यू। ये है पार्किंग एरिया, और कार पार्क हुआ है, और एक्चुअली मैं रिजॉर्ट का फ्रंट यहाँ से स्टार्ट है, और ये सारा का सारा नूसा वाटर्स का एरिया। तो गाइस, ये होती है पैडल बोटिंग, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, और ये है क्लोज़र लुक। यहाँ का पानी थोड़ा वैसा सा है, गंदा सा, ये चाड़ी के वैसे दिख नहीं रहा। वो लेडी मतलब जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे स्टेन कर रही थी, ताकि वो प्रिजर्व कर सकें, जहाँ पे एक पब्लिक होता, पब्लिक के लिए मतलब बैठने का होता है, या पे पिकनिक करने का होता है। तो नूसा काउंसिल जो है वो ध्यान रखती है कि पब्लिक फुली इंजॉय करें, क्योंकि वो टैक्स पेयर्स हैं यहाँ के, तो यहाँ का मेंटेनेंस का सारा खर्चा और सारा जिम्मा नूसा काउंसिल का है।
एक तरह से ठीक भी है कि नूसा काउंसिल अपने मतलब जो यहाँ पे रहते हैं उन सब का मतलब ये सारे टूरिस्ट हो गए इनके स्पॉट्स को जहाँ पे पिकनिक बनाते हैं, जहाँ पे लोकल लोग जाते हैं, रेस्टोरेंट हो गए, रोड के गड्ढे हो गए, हर चीज़ को मेंटेन करके रखती है नूसा काउंसिल, क्योंकि यहाँ के लोग टैक्स पे करते हैं और उस पैसे को इंस्टेड ऑफ किसी पब्लिक पॉलिटिशियन की जेब में जाने से बड़ा बजाय वो सीधा पब्लिक ले ही लगाते हैं जहाँ पे पब्लिक स्पॉट्स होते हैं और टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, जैसे होटल्स हो गए, यहाँ के पिकनिक स्पॉट हो गए, पार्क्स हो गए, और ये सब चीज़ें जो नूसा काउंसिल के अंडर आती है तो उन सब चीज़ों को मेंटेन करने में लगता है। जैसे लेक हो गई, क्योंकि लोग कूड़ा भी फेंकते हैं पानी में, उसे भी मेंटेन करना, पानी को क्लीन रखना और रोड के गड्ढे भर देना ताकि कोई परेशानी ना आए यहाँ के लोकल लोगों को और टूरिस्ट को आने में, टूरिस्ट तो आते जाते रहते हैं इसलिए। और जैसे कि आप देखेंगे पीछे काफ़ी अच्छा व्यू है ना, मस्त जगह है। और यहीं पर रहता हूँ मैं 2 साल से और मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, और तो अब आज धीरे धीरे करके हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये नूसा वाटर से सारा। तो अब जाते हैं हम, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक और ब्रिज है, मतलब ये सामने ब्रिज है, यहाँ से भी एक अच्छा व्यू आता है दोनों तरफ का, मतलब दोनों तरफ वाटर्स का आता है, एक तरफ प्राइवेट, ये सारी मतलब ये सारी की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, और ये मतलब काफ़ी अच्छी जगह पे दो माउंटेन्स के बीच में, आई थिंक दो माउंटेन्स के बीच में बना रखा है ये नूसा वाटर्स, क्योंकि इसके बीच में से नूसा लेक जाती है जो ओशन से कनेक्ट होती है सीधा, और वहाँ पे सारी मतलब सोसाइटी है, लोग रहते हैं वहाँ, और ये घर भी काफ़ी मतलब काफ़ी नहीं बहुत ही एक्सपेंसिव है, अराउंड आई थिंक 8 million-9 million डॉलर्स के घर हैं ये सारे के सारे। तो ये है यहाँ का व्यू इस जगह से, और एक और भी बात है जो मतलब ये जैसे कि आपने जो आज अभी तक देखा है, मतलब जैसे घर हो गए जो 8-9 million डॉलर्स के हैं, और जैसे ये बोट हो गई, महंगी से महंगी बोटें, ये लग्जरी लाइफ, ये ज़्यादातर यहाँ पर मतलब मोस्ट परसेंटेज उनकी है जो एल्डरली पीपल्स हैं, जिन्होंने अपना मतलब टाइम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के लिए वो किया है, क्या कहते हैं, स्पेंड करा है, काम में लगाया है, और उस चीज़ के बाद वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं जो उन्होंने बचाया था, जो अपने लिए सेव किया है, तो उन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे महंगी गाड़ियाँ लेना, बुड्ढों के पास सबसे महंगी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे आते हैं वो मैकलेरन फरारी ये सब लेके आते हैं खाना खाने डाइनिंग के अंदर। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं व्यू, ये सारे मतलब मोस्टली एल्डर पीपल ओन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम स्पेंड कर लिया और मतलब अपना पैसा यूज़ कर रहे हैं जो भी उन्होंने स्पेंड किया। और अगर आप में से कोई मतलब अपने प्राइवेट व्हीकल में आता है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मतलब बस में आना है तो ये यहाँ का है बस स्टैंड बीटा सर्कल, तो आप इसमें यहाँ पे बस स्टैंड से उतर सकते हैं और मतलब यहाँ के आसपास की सराउंडिंग्स इंजॉय कर सकते हैं, वरना रिजॉर्ट में अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी भी हायर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि यहाँ पे मतलब लोग अमीर तो हैं लेकिन उनकी अमीरी ना दिखती नहीं है, मतलब ना ही वो इतना अमीरों वाला वेल ड्रेस होता है, जैसे सोने की चेन सोने की घड़ी वो सब पहन के नहीं होते, लेकिन उनकी रिचनेस मतलब डाउन टू अर्थ वाली और रिचनेस होती ना वो है। एक फनी थिंग बताता हूँ, एक बंदा है जो हमारे रेस्टोरेंट में, नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट में अभी भी खाने आते हैं, तो वो बंदा काफ़ी रिच है, मतलब काफ़ी रिच है, इतना रिच है कि एक दिन क्या हुआ, जैसे वो काफ़ी अब तो ओल्ड हो गया है तो लोगों को सोने में दिक्कत होती है ना, बूढ़े लोगों को सोने में दिक्कत होती है, तो यूजुअली क्या होता है कि उसका बहुत बड़ा घर है, उसके घर में लिफ्ट है, मतलब सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट है। तो एक बार क्या हुआ कि उसके घर के अंदर बगल वाले घर बहुत शोर मचा रहे थे, तो कुछ टाइम बाद उसने बगल वाला घर ही खरीद लिया और उसे मतलब अपने घर को उसने एक्सटेंड करा लिया, अपने घर से ही जोड़ लिया, तो आई थिंक मुझे पता नहीं है उस घर में कौन रहता है, बट इसलिए उसने उस शोर की वजह से उस बगल वाले घर को ही खरीद लिया था। तो मतलब लोग यहाँ पे बहुत रिच हैं, बूढ़े पीपल तो खासकर बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन उनकी रिचनेस दिखाई नहीं देती इतनी कि वो महंगे कपड़े सोना ज्वेलरी घड़ी महंगी ये सब पहन के नहीं आते, लेकिन वो एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। मैं उनसे बातें करता हूँ, रेस्टोरेंट में काम करने का यही फ़ायदा है कि वहाँ पर ना मेरे को बात करने को मिलता है लोगों, और उनसे बात करने से सीखने को मिलता है मुझे कि मतलब वो
क्या जॉब करते थे, वो उनसे एडवाइस लेना, लाइफ एडवाइस लेना, ये सब सीखने को मिलता है। तो याद है, अगर ऐसे आएँ और अगर आप किसी से बात करें ऐसे तो इन्जॉय करें और एडवाइस लें लोगों की, क्योंकि वो दिल से बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के या वर्ल्ड के भी, कहीं के भी। तो आज का व्लॉग करेंगे हम यहीं पे एंड, और अभी जाते हैं घर क्योंकि स्कूटर यहीं पे ही है। तो जितना मैंने सिखाया उतना, अभी एक मस्त गाड़ी यार दिखाता हूँ, क्या मस्त गाड़ी। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूं ही देखते रहें मेरी वीडियो को, मनोबल बढ़ेगा। तब तक के लिए बाय।